तो इस लड़के को मैं कब से बोल रही हूँ कि उठ, मुझे मेरा होम टूर देना है सबको, मुझे दिखाना है आप लोगों को मेरा ये वाला घर। इसको फुर्सत नहीं मिल रही है आराम करने से। फिर कुछ देर पहले पके आया, बस अभी आके लेट गया। कट, नो कट वर्ड। अगर तू नहीं उठेगा तो इससे भी बदतर सा मैं आपका बेइज्जती कर सकती हूँ बेटा। चलो प्लीज़ वेलकम और वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं मेरा पहला और स्पेशल और मेन घर का आप लोगों को टूर देने वाली हूँ। ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये मेरा मेन घर है, गांव का घर है, पापा का, दादा दादी सबका ये घर है बोल सकते हो। मैं आप लोगों को बता दूँ, इसका ओल्ड शायद 85-86 ऐसा होगा ये वाला। और पीछे का वो दिखा दे, एक बार दिखा दे जल्दी से। हाँ, वो जो टूटा हुआ है आप लोग शायद देखे होंगे मेरी एक ब्लॉग में, जब मैं यहाँ आई थी उनसे ज़्यादा पास में था। हाँ, यहाँ ठीक है। तो आप लोग शायद देखे होंगे यहाँ का, जब टूटने का काम जब चल रहा था तब हम लोग यहाँ आए थे। और अभी कुछ ही दिन बाद रेनोवेशन का काम होगा यहाँ का, कुछ पूजा चल रहा है जिस वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। वो पूजा ख़त्म होने के बाद हमारे यहाँ का जो रेनोवेशन का जो काम है वो होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को मेरा इस वाले घर का एक छोटा सा टूर देने वाली हूँ। सो लेट्स कम विथ मी। ओके, चलो। सो एट फर्स्ट ये है हमारा घुसने का जो डोर है, मेन डोर है ये, अंदर घुसने का डोर है। और बाकी यहाँ एक बार दे मुझे, यहाँ जो खाली जगह आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा घिरा हुआ था पहले। ये सब हम लोग रेनोवेशन करने वाला है तो इसलिए पूरा का पूरा हम लोगों ने तोड़फोड़ कर दिया। बाकी जब नेक्स्ट टाइम वो, उसमें मैं बाद में आ रही हूँ, मैं बताती हूँ। अभी आप अंदर आओ, मैं दिखाती हूँ। सो दिस इज़ अवर एंट्रेंस। आ जा घर में। इस वाला दरवाज़ा भी ओपन होता है लेकिन मैं अभी ओपन नहीं कर सकती इसको। मैं यहाँ मेरा जूता उतर रही हूँ। अब पहले इधर आ, इस वाले रूम में आ, दिखाते हैं। लाइट जल रहा है, लाइट जलाने दे। कौन सा वाला था? दिस इज अवर फर्स्ट रूम। यहाँ मेरा दादी दादा सब लोग रहते थे, बहुत साल हो गया है उन लोगों के गुजरने के बाद। यहाँ कोई भी नहीं रहते हैं, यहाँ हम लोग कभी कभी आते हैं और पूजा के टाइम आते हैं। पापा तो आते ही रहते हैं हमेशा, लेकिन हम लोग नहीं आते हैं। ये घर जो है ये खाली पड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ जो आप देख रहे हो, दिखा सबको। हाँ, तो यहाँ ये जो बेड है ये मतलब वो चौकी बोलते हैं ना, तो चौकी जैसा कुछ है। यहाँ अभी के लिए हम लोगों ने एक सोने का बैठने का एक जगह कर लिया है हम लोगों का। बाकी यहाँ तो पहले ये वाला चौकी या ये वाला बेड नहीं था, जब था तब एक बहुत अच्छा सा बेड था। और कितना मेरे फेस में घुसा थे अंदर। तो यहाँ बहुत अच्छा से एक बेड था जब दादा दादी रहते थे, लेकिन वो सब अभी यहाँ नहीं है। अभी ये वाला जो घर आप देख रहे हो ये पूरा हमेशा खाली का खाली पड़ा हुआ रहता है। ये फैन जो आप देख रहे हो, दिखा उन लोगों को, मैं जिसके बारे में जो बात कर रही हूँ तो वो चीज़ दिखाना चाहिए। हाँ, ये जो फैन आप देख रहे हो, ठीक है लोगों ने देख लिया, बस ठीक है, साउंड आएगा उसका ऑफ कर दे। तो ये जो आप फैन देख रहे थे ये हम लोगों ने लाए हैं। बाकी यहाँ चादर तकिया वकिया सब कुछ हम ही लाए थे। जितने दिन भी है हम लोग उतने दिन हम लोग यहाँ रह के यूज़ करके फिर वापस ले जाएंगे। और यहाँ आ जाओ, इस कॉर्नर में आ जाओ। इस कॉर्नर में आते ही यहाँ था, यहाँ कुछ मेडिसिन वगैरह रहता जब दादा दादी रहते थे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ हमारे जो गोपाल जी वो रखे हैं और यहाँ भगवान जी है। और बाकी यहाँ पहले जो भी था ये देखो, इसमें साड़ियों का या कुछ कपड़ों का स्टिकर्स अभी तक चिपका हुआ है, जो कि मेरे दीदी ने चिपकाई थी। मेरे दीदी यहाँ बहुत साल रहती थी, दादी के पास रह कर वो पढ़ाई करती थी। और ये जो कॉर्नर देख रहे हो, ये कॉर्नर में मेरे दादी बैठ के हमेशा पान खाती रहती थी। ये वाला रूम कुछ ऐसा है, मैं दिखा दूँ एक बार। बड़ा है काफ़ी,
आप लोगों को देख के शायद अच्छा ही लग रहा होगा, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि रूम में कुछ भी नहीं है। और ये जो ऊपर का देख रहे हो, ऊपर का सीलिंग भी एडवेस्टर का है, टीन का है। और वो पंखा जो है, वो पापा अभी हम लोग आए हैं तो इसलिए वो पापा डेकोरेटर से बुला के अभी के लिए वो लगवाया है। बाकी हम लोग जब चले जाएंगे यहाँ से तो वो भी खोल के चले जाएगा। देखना अभी इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, यहाँ का लाइट थोड़ा ऑन कर दो। कौन सा स्विच है बेटा? लाइट से लग रहा है बहुत लाइट हो गया। तो ये जो आप देख रहे हो ये है हमारा ओपन किचन। अभी थोड़ा पास आ जा, जब मैं पास आने के लिए बोलूँगी तब पास नहीं आता, जब मैं दूर जाने के लिए बोलती हूँ तब तो दूर नहीं जाता है, मतलब क्या बताऊँ। देखो इधर पास में आओ, थोड़ा पास में, थोड़ा थोड़ा और पास। इधर दिखाओ फर्स्ट, ये जो आप देख रहे हो ये हम लोग घर से लाए थे, ये फिल्टर। नेक्स्ट यहाँ हमारा मिक्सी है, यहाँ कुछ कटलरी है, यहाँ हम वो कप्स है चाय का, यहाँ मसाला है, यहाँ गैस ओवन, कुकर, हंडी या बाकी सब कुछ है। तो दिस इज़ अवर ओपन किचन है। यहाँ पे दिखा दे, थोड़ा इंडक्शन वगैरह रखा हुआ है अभी के लिए। तो ये है हमारा ओपन किचन, जहाँ मैं एक टाइम में बहुत ज़्यादा मसाला जो है वो वेस्ट करती थी। जब तो मैं बचपन में यहाँ आती थी तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती थी और कुछ ना कुछ मतलब वेस्ट करती रहती थी। मसाला जो होता है बहुत ज़्यादा वेस्ट करती थी मैं, क्योंकि तभी कुछ कोई काम नहीं था और दिमाग में भूसा भरा हुआ था मेरा। और ये इधर का थोड़ा दिखा दे घूम के, इधर खास कुछ नहीं है, बस वो जो देख रहे हो वो अभी के लिए हमारा क्या है, इससे मतलब दिखा इसको, इसको जितना बोलते उससे ज़्यादा कर लेता है, हमेशा हमेशा नहीं कभी कभी। तो ये एक ओपन एरिया है, ये वाला दरवाजे घुसते ही ये वाला पोर्शन को पड़ता है, एंड इधर हमारा किचन पड़ता है, और इधर ये वाला रूम। और घर का थोड़ा मेसीनेस को आप थोड़ा बहुत इग्नोर करना, क्योंकि हम यहाँ नहीं रहते हैं तो यहाँ सब कुछ इधर उधर करके रखा। नेक्स्ट जो आप ये वाला रूम देख रहे हो ये है हमारा सेकेंड वाला रूम। सो लेट्स कम विथ मी। यहाँ अभी मम्मी सोई हुई है। तो ये वाला एक रूम है, अच्छी तरह से देख लो, रुको मैं थोड़ा लाइट ऑन कर देती हूँ। हाँ तो रूम कुछ ऐसा है अभी के लिए। और वहाँ बेड रखा हुआ है हमारा, वहाँ एक सेल्फ है, वहाँ पापा का टी शर्ट वगैरह सब कुछ रखा है, यहाँ गोपा है। और यहाँ इस सिंदूक के पीछे का मैं राज बताती हूँ, ये 100 साल पुराना सिंदूक है। ये जो सिंदूक आप देख रहे हाँ, ये 24 आदमी मिलकर भी इसको उठा नहीं सकता, इतना ज़्यादा भारी है। और ये पहले का वो होता है ना जमींदार बाड़ी, तो वैसे करके यहाँ हमारा जो भी पहले का जो भी क्या बोल खजना वजना सब मिलता था, तो तब वो सब कुछ यहाँ रखते मेरे जो दादाजी थे। हाँ यहाँ गहना भी रखते थे वो लोग, मतलब ये सबसे सेफ्टी जगह था उन लोगों का, पैसा रखने का, खजना रखने का, गहना रखने का, सब इम्पोर्टेंट कॉस्टली चीज़ें जो है वो सब कुछ यहाँ रखते थे वो लोग। और बाकी यहाँ जो है, यहाँ एक आलना वार्डरोब जैसा, आलना ही बोल सकते हो अभी इसको, जिसके ऊपर पापा का लुंगी है। बाहर भी एक है छोटा सा ऐसा वाला सिंदूक, और भी एक है मैं दिखा देती हूँ इधर, ये जो हाँ जिसके ऊपर पर ये इंडक्शन रखा हुआ है उसी का है, ऊपर का दिखा दे एक बार। हाँ ये पूरा का पूरा, ये जो देख रहे हो ये पूरा का पूरा लोहा का बनाया हुआ है, जो मतलब एक आदमी का तो छोड़ ही दो, ये 25-30 लोग मिल के तब जाके ये उठा सकते हैं। और इसका जो ढक्कन होता है वो एक लोग कभी भी खोल नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी होता है। और आ जाओ मैं आप लोगों को घर का पीछे का पोर्शन दिखा देती हूँ, इधर आ। जबर यहाँ पर है लाइट, बहुत तेज है लाइट, देखा सबको लाइट कितना तेज है वो दिखा। तो ये जो देख रहे हो ये हमारा पहले का भगवान का घर था, मेरे जो दादी थे वो, ये जो सेल्फ देख रहे हो आप, यहाँ दादी भगवान रखते थे और यहाँ हम लोग पूजा करते थे पहले। लेकिन अभी सब कुछ गड़बड़ हो गया है, सब कुछ इधर उधर हो गया है। इधर दिखा यहाँ का, ये जो देख रहे हो कट, यहाँ भी एक दरवाज़ा था लेकिन वो तोड़ के वो दीवार कर दिया है। यहाँ भी एक वुडन का ही दरवाज़ा था लेकिन सब कुछ अभी तोड़ के लोहे का बनवा दिया है पापा ने, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जैसा अभी का ज़माना नहीं रहा, पहले तो सब कुछ
बहुत ही कैजुअल सा था, लेकिन अभी तो सब कुछ बहुत ही, अभी मैं दिखा दूँ कि ये घर कितना ज़्यादा पुराना है। अभी आप खिड़की देख सकते हो, खिड़कियों का हालत अभी क्या हो के रखा है, ठीक है, हाँ पूरा पापड़ जैसा हो गया है। तो वो वाला पोर्शन हम लोग भगवान रखते थे पहले, और पीछे का पोर्शन भी दिखा दूँ यहाँ तक आई हूँ तो, ये एक रूम ही बोल सकते हो आप, यहाँ थोड़ा दिखा दूँ। इधर आ जा, हाँ ये दे मुझे दे, अरे ठीक है तू ही पकड़, तू यहाँ से पकड़, ठीक है मैं उधर जाती हूँ। हाँ ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये हमारा बाथरूम का एरिया है, ये नहाने का है और वो नेचर कॉलिंग का है, समझ सकते हो आप। तो यहाँ हम लोग नहाते थे, और ये जो आप पाइप देख रहे हो ये हमारा एक सबमर्सिबल था यहाँ, जो कि अभी टूट गया है, मतलब तोड़ दिया है। यहाँ का जो टोटल आप व्यू देख रहे हो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये बहुत साल का हो गया है। मैंने लोगों को बोला कि 82-85 ऐसा, इतना ओल्ड हो गया है ये वाला घर का। तो ये वाला पोर्शन अच्छे से दिखा, और उस वाले दरवाजे का भी दिखा दे, यहाँ से भी हम लोग एंटर कर सकते थे पहले, लेकिन इस दरवाजे का नीचे का पोर्शन देखो पूरा फट गया है, पूरा टूट गया है। तो ये कुछ ऐसा देखने में, वहाँ से हम लोग यहाँ आए थे और वो एंट्रेंस था जो अभी बंद हो चुका है, और यहाँ पाइप जो आप देख रहे हो इस पाइप से अभी हम लोग हमारा जो काम है हर एक काम वो अभी कर लेते हैं। बस आज ही हमारा यहाँ लास्ट दिन है, कल हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। चला जशुनु, बहुत धूप है। तो यहाँ का काम तो हो गया, यहाँ का दिखाना मेरा को हो गया, और वहाँ हमारा कुछ बर्तन बर्तन रखा हुआ है जिसमें हम लोग खाना बना कर लाए थे यहाँ, और यहाँ ये वाला वस्तु है, वापरे अपना फेस देख एक बार। तो हमारा टोटल मिला के हमारा 30 तालाब है, उसमें से 2 तालाब एक पीछे है हमारा और एक सामने है। मैं जब बाहर जाऊँगी तब आप लोगों को दिखा दूँगी, एक पीछे है घर के, एक सामने है, और चलो दिखाती हूँ आ जाओ। और क्या रह गया बाकी, ओ ऊपर ऊपर का दे रह गया बाकी। तो ये जो आप देख रहे हो ये हम हमारे ऊपर वाले रूम में जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी आ जा संभल के। यहाँ मेरा बहुत सारा मेमोरीज़ है, यहाँ इन सीढ़ियों में बैठ के मैं बहुत खाना पकाना ये सब हमेशा नौटंकी में मरती रहती थी, और यहाँ बैठ के वो जो मसाला होता है उनसे, और फिर पत्थर से, फिर पत्ते से लूची पूरी ऐसा सब बनाकर मेरी और मेरी और भी एक फ्रेंड थी यहाँ, हम लोग मिल के यहाँ खेलते थे। मेरी और दीदी का भी बहुत सारा यहाँ मेमोरी है। तो दिस इज़ आवर ऊपर वाला रूम, तो देख सकते हो ये है हमारा ऊपर वाला रूम, जो जिसमें कुछ भी नहीं है अभी। ऊपर का दिखा दे, ऊपर का हाल अभी कुछ ऐसा है, पहले वो घास बोर्ड रहता था ना, सुनो घास बोर्ड पता है तुझे, घास बोर्ड से ये कवर किया हुआ था, लेकिन अभी पूरा वो घून हो गया था, वीपो का हो गया था, तो इसलिए सब कुछ तोड़ दिया है, नहीं तो पूरा टूट के नीचे आ जाता था। और ये जो देख रहे हो ये हमारा ऊपर से नीचे का व्यू है, ये हमारा छत है, अभी नहीं जा सकती छत में क्योंकि अभी लॉक किया हुआ है, और छत बहुत ज़्यादा गंदा हो के रखा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ का दरवाज़ा का हालत भी आप लोग देख लो, एक तरफ का है वो भी टूटा हुआ है पूरा, और दूसरी तरफ का नहीं है दरवाज़ा, वो तो फुल गया है, देख ही सकते हो यहाँ पूरा का मकड़ी का जाल है। यहाँ कोई लाइट वगैरह भी कुछ भी नहीं है, बस स्विच दिया हुआ है, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ। बाकी यहाँ का सीन कुछ ऐसा ही है, यहाँ एक खिड़की है जो हम लोग खोलते नहीं हैं, ज़्यादातर हम लोग तो यहाँ रहते ही नहीं हैं, तो इसलिए यूज़ करने की बात तो बहुत ही दूर है। फिर भी जब पापा यहाँ ट्रांसफ़र थे, पापा का जब यहाँ पोस्टिंग था बिष्णुपुर में, हमारा जो घर है, गांव है, वो है राधानगर में, ठीक है। तो यहाँ जब पापा थे तो तब हम लोग यहाँ मतलब रहते थे, यहाँ तब दादी भी थी, तो यहाँ हम लोग रहते थे और यूज़ भी करते थे सब कुछ, लेकिन यहाँ दादी गुजरने के बाद से हम लोग यहाँ मतलब मेरा स्पेशली आने का मन ही नहीं करता है, यहाँ दादा दादी कोई भी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी आने का मन नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा ऊपर का एक टूर हो गया, जहाँ ऐसा ही कुछ है, और इसके नीचे ये इसका जो ये सीली ये जो फ्लोर देख रहे हो इसका जो नीचे का पोर्शन है वो काट से बनाया हुआ है, मतलब काट का सीलिंग है हमारा। चलो अभी नीचे जाते हैं, और बाहर का कुछ दिखाना है आप लोगों को, बाहर का भी दिखा देते हैं। और यहाँ का यहाँ से ये दिखा दे, ये कुछ बैग पड़ा हुआ है, पता नहीं कब से, बहुत दिन से मैं देख रही हूँ, यहाँ एक रेलिंग दिया हुआ है साइड में,
और ये देखो, ये देखो, ये दिखा दे, यहाँ से कार्ड दिख रहा है, ये देखो, ये देखो कार्ड का बनाया हुआ है। चल सुनो पकड़, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, बाप रे बाप। हो गया, चलो नीचे। तो यहाँ मम्मी अभी तक सो रही थी, अभी उठ गई है। तो यहाँ का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ एक बेड रखा हुआ है और बाकी यहाँ एक फैन है, यहाँ भी एक खिड़की है और बाकी यहाँ का रूम कुछ ऐसा है। और वहाँ पीछे जाने का रास्ता, यहाँ ऊपर जाने का रास्ता और यहाँ बाहर जाने का रास्ता। अब इधर आ जाओ आप लोग, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ का जो स्टोरी है वो भी मैं बताती हूँ। आ जाओ, ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊँगी क्योंकि उसने कुछ पैर में पहना हुआ नहीं है। यहाँ थोड़ा जूम करके दिखा दे, वो वाला तालाब दिखा दे सबको। चल इसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाने भी जाएंगे, ठीक है? वो देखो आइसक्रीम वाला को मत दिखा, यहाँ का जो तालाब है उसको दिखाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है? दिया सब लोगों को, बापरे उतना ज्यादा जूम मत कर यार। अभी ये एक तालाब है हमारा और यहाँ का वो देखो, वो वाला एंट्रेंस में बोल रही थी। और मैं बता दूँ, ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ से कल एक सांप निकला था जो कि मेंढक को फ्रॉग को पकड़ा हुआ था, लेकिन पापा ने उसके ऊपर फिनाइल दिया तो वो जो फ्रॉग था वो बच गया पूरा। और शाम को वो वाला फ्रॉग ही पापा के पैर में बार बार आके पड़ रहे थे, ओ थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, थैंक यू। सामने का ये जो देख रहे हो इसको पकड़, जल्दी से पकड़, मैं दिखा दूँ आप लोगों को। ये जो देख रहे हो ये भी हमारा जगह है, यहाँ हम लोगों का नया नया बस नया कुछ ही दिन पहले गैरेज बनाया है हमने। और इस जो गैरेज देख रहे हो आप, ये वाला गैरेज के मैं आ रही हूँ ना, ये वाला गैरेज के पीछे की तरफ भी एक तालाब है, वो भी हमारा है, जिसका नाम है पोका घोड़ा। मतलब उस तालाब में पानी कम पोका ज़्यादा है, कीड़े ज़्यादा है। मतलब वो जो जगह है वो बहुत जगह लेकर है, लेकिन वो बहुत बड़ा एक तालाब है लेकिन पानी उसमें भी कम है। और बाकी यहाँ का जो इतना बड़ा जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये पूरा जगह हमारा मतलब मेरे दादाजी का है, और बाकी जहाँ तक नहीं टूटा है वो हमारे मतलब मेरे दादाजी का भाई दादा ऐसा कुछ होगा, मुझे पता नहीं उतना रिलेशन क्या क्या है। तो यहाँ का जो पूरा देख रहे हो ये ऐसा नहीं था, पूरा भरा हुआ था, पूरा गार्ड किया हुआ था, बाउंड्री था हर एक घर में। और यहाँ का जो अब तोड़फोड़ किया हुआ है हमने, यहाँ पहले लोग रेंट में रहते थे तो वो सब लोगों ने अपना अपना घर बनवा लिया, सब लोग अपने अपने घर चले गए। बाकी का यहाँ जो खाली जगह देख रहे हो, कुछ दिन बाद ही हमारे यहाँ हमारे घर का काम चालू होने वाला है, जो कि पापा बहुत अच्छे से इसको रेनोवेशन करने वाले हैं, करवाने वाला है, पापा खुद क्यों करेंगे, करवाने वाला है। तो ये जो अब हमारा जो घर देख रहे हो, इधर दिखा दे, ये घर भी पूरा तोड़ देंगे वो लोग, यहाँ हम लोग अभी रहते हैं, लेकिन ये घर भी पूरा तोड़ फोड़ दिया जाएगा और अच्छे तरह से पूरा सुंदर करके इसको सजाया जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट डे मैं जब आऊँगी, नेक्स्ट जब मैं आऊँगी तब शायद ये पूरी तरह से बन जाएंगे, तब नेक्स्ट इस घर का मैं और भी एक टूर दूँगी कि कैसे करके हम लोगों ने इसको रेनोवेशन किया है और कैसा लग रहा है अभी देखने में। एंड इधर आ जा थोड़ा, इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ अभी, ज़्यादा मैं अभी बोल नहीं सकती, अब लोग इमेजिन भी नहीं कर सकिया कि यहाँ कितना ज़्यादा धूप है। जो मेरा कैमरामैन है उसको भी मैं दिखा देती हूँ कि इसका हालत देखो बेचारे का, बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ, बाप रे। और वो पैर, वो खाली पैर में है, मतलब समझ रहे हो कि नीचे कितना ज़्यादा गर्मी है, वो जो सैंड है वो। तो आई होप कि आज का व्लॉग और मेरा जो ये मेन हाउस टूर है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरा सिर्फ एक घर नहीं, मेरा दो दो घर है, तो ये जो है ये मेरा मेन घर है, और दुर्गापुर का जो है वो तो हम लोगों ने बाद में बनाया था, लेकिन ये तो हमारा गांव का घर है तो ये हमारा मेन है, आप लोग समझ ही सकते हो। तो आई होप कि आज का व्लॉग एंड आज का जो मेरा होम टूर है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा खास कुछ नहीं है, जैसे करके मेरे दादाजी दादी जी रहते थे वैसा ही है, यहाँ हम लोग भी रहते थे एक टाइम में। तो आज इस व्लॉग के लिए बस इतना ही, आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। एंड अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नया हो तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब करके मुझे बड़ा सा एक सपोर्ट कर देना। मिल रहे हो नेक्स्ट व्लॉग और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।